नेशनल सिक्योरिटी आपसे ज़्यादा कौन समझ सकता है बेटा जी? आपके आपका जो अनुभव रहा है 30-35-40 साल का, तो उसमें आपने क्या देखा है कि पहले नेशनल सिक्योरिटी कैसा था और अब नेशनल सिक्योरिटी कैसा है? एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ हम आए या कोई पॉलिटिक्स करने नहीं आए, को कांग्रेस को बीजेपी, जिंदगी का बहुत अनुभव रहा है और उस कांग्रेस पार्टी से 7 साल की उम्र में जुड़ा हूँ। जलियांवाला बाग के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के उस लाल खून पे मैंने शपथ ली थी कि इन्होंने आज़ादी लेकर के दी हमें, जनरल डायर की गोलियां सीने पे खा करके कभी मौका मिला इस आज़ादी की रक्षा करेंगे। वो आतंकवाद का जमाना देखा और पीवी नरसिम्हा राव जी आए, उन्होंने उसको ठीक किया। पर मुझे फख्र है गुजरात की धरती के ऊपर, मुझे फख्र है आप लोगों के ऊपर। होंगे नरेंद्र मोदी जी बीजेपी के, होंगे अमित शाह जी बीजेपी के, मेरा कोई वास्ता नहीं, मैं कभी मिला नहीं। फख्र है आपके ऊपर, फख्र है उनके ऊपर। 70 साल की कैंसर की बीमारी को जड़ से उखाड़ करके हिंदुस्तान को नया भारत। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, पिछले 370 धारा हटने के बाद क्या कोई जवान शहीद हुआ? हाँ, शहादतें हुई है, 5-4-6 नहीं होनी चाहिए। पर मुझे बताइए, कभी 26/11 की घटना हुई, पार्लियामेंट की घटना हुई, दिवाली के दिनों में दिल्ली के अंदर पूरे राष्ट्र के अंदर जगह जगह पे बम ब्लास्ट होते थे, बहनों के सुहाग उजड़ जाते, बच्चे यतीम हो जाते, खून की नदियां बह जाते। आज पाकिस्तान को पता चल चुका है, पठानकोट की घटना, दीनानगर की घटना के बाद एक गोली पाकिस्तान चलाएगा, यहाँ से 100 चलेगी। आज वो भारत बन चुका है, ये राष्ट्र सुरक्षा को लेकर के आज भारत एक अलग भारत और दुनिया में भारत निर्माण बन रहा है। और तो मेरा सलूट है उनको, नरेंद्र मोदी जी को। आपके व्यापार के कई तकलीफें होंगी, इकोनॉमिकली कई तकलीफें होंगी, मैं मानता हूं, पर प्रथम राष्ट्र से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर राष्ट्र सुरक्षित है तो आने वाला भारत इकोनॉमिकली भी बहुत आगे बढ़ेगा। पहले भारत को हमें सुरक्षित करना है और वो हो चुका है, आपके सामने है। अगर मेरे से कोई सवाल पूछना चाहता है इस देश की सुरक्षा के बारे में, और मैं उसका ठोक के सबके सामने जवाब दूंगा कि हमारा राष्ट्र आज कितना सुरक्षित है। उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को ये पता चल गया है कि ये हिंदुस्तान नया हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान अब चुप नहीं बैठेगा, ये घर पे भी घुसेगा और घर पे घुस के मारेगा? एक बात बिल्कुल स्पष्ट आपको कह दे कि जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे तो हमने भी विरोध किया। जब नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली थी नवाज शरीफ आए, हमने भी विरोध किया था। पर उन्होंने दुनिया को बताया कि हिंदुस्तान शांति चाहता है, महात्मा गांधी जी का भी देश है, वो शांति चाहते थे। पर पाकिस्तान में अगर वो गए, शायद आपको पता नहीं होगा, मौत का कफन बांध के गए थे। वो आतंकवादियों का देश है, उनको किसी के ऊपर तर्स नहीं आता है, वो कुछ भी कर सकते थे। पर दुनिया को बताया, मौत का कफन बांध करके आपके लिए, राष्ट्र के लिए खतरा लेके गए। पर जब वापस आए, हमें ये पता था पाकिस्तान कोई हरकत ऐसी जरूर करेगा, वो की दीनानगर और पठानकोट की घटना की। आपने देखा कि उसका गोली का जवाब आज तक पूरा जारी है। आज पाकिस्तान को ये पता चल चुका है कि एक भी अगर पाकिस्तान ने हरकत की तो ऑक्यूपाई कश्मीर तो हम अब लेके ही रहेंगे। 370 धारा तो हट चुकी, अब तो ऑक्यूपाई कश्मीर लेनी है हमने। मैं नहीं कहता जंग, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान के अंदर सड़क पे जाते हुए किसी बहन का सुहाग उजड़े, को बच्चा यतीम हो या यहाँ की खून की नदियां बहे। पर अगर आज पाकिस्तान को ये नरेंद्र मोदी जी ने बता दिया है, ये वो भारत नहीं है, ये आज का भारत है। और आज का भारत की तरफ चाइना हो, पाकिस्तान हो, अगर पूरी निगाह से देखता है तो मेरी बात स्पष्ट है, जो कहता हूँ भगवान की कृपा से वो होता है। 370 धारा का एक दिन पहले कहा था हुआ, सर
सर्जिकल ऑपरेशन हुए, आज मैं कह के जा रहा हूं जिस दिन पाकिस्तान कोई खतरनाक हरकत करेगा उसके 15 या 20 दिन एक महीने के बाद ऑक्यूपाई कश्मीर हमारे पास होगा। लिख लीजिए, टाइम को नोट कर लीजिए, ये आपका हिंदुस्तान है, ये मुझे यकीन। लेकिन इसमें बेटा जी पाकिस्तान है और उसके पास में पावर्स भी बहुत है, तो इसके बारे में आपका क्या? देखो मैं एक बात पर कह दूं, नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद लोग कहेंगे मैं नरेंद्र मोदी जी की चर्चा कर रहा हूं। अब मेरा मिशन ही टेररिज्म के खिलाफ है, तो मेरे मिशन ही अगर पूरे मेरे बचपन के सपने ही वो पूरे कर रहे हैं तो मैं तो उनकी चर्चा करूंगा। आपके अलग अलग इशू होंगे, मैं तो चर्चा करूंगा, अगर नहीं करूंगा तो मैं आपके साथ राष्ट्र के साथ धोखा करूंगा। मैं फिर कहूँगा, आप चाइना के साथ पहले के संबंध और आज के संबंध देख लीजिए। गुजरात की धरती पे आए थे चाइना के राष्ट्रपति, और आज देखो जब पूरी दुनिया हर किसी के साथ संबंध होते हैं। आप भी कहते थे, मैं भी कहता था कि जब से प्राइम मिनिस्टर बने नरेंद्र मोदी जी वो दुनिया में घूम रहे हैं। हम मजाक भी लोग उठाते थे, हम भी चर्चा करते थे, हिंदुस्तान के लिए वक्त नहीं है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बच्चे मारे जा रहे हैं। पर जब 370 धारा हटी, आप देखिए जो पूरी दुनिया में उन्होंने विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड बनाया, आज पाकिस्तान को अकेला छोड़ दिया, और आज पता चला जो दुनिया के अंदर घूमे हैं उसका रिजल्ट आज आपके सामने है। आज दुनिया हमारे साथ खड़ी है, चाइना हमारे खिलाफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने उस चाइना को बिल्कुल बैलेंस किया हुआ है। किसी चार लाइन या इंट्रोडक्शन के मौजूद नहीं है, फिर भी आपको देख के जो दिमाग में चार लाइन आई वो मैं कहना चाहता हूँ और आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आतंक करने वालों की बड़ी समस्या है कि आतंक करने वालों की बड़ी समस्या है लेकिन उससे लड़ने वाले भी जिंदा है। भारत का भावी तब तक तो सुरक्षित है जब तक मैदान में बिट्टा जैसे योद्धा है।